प्रिय मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी फाइनल ईयर का सेकेंड पेपर, यूनिट वन। ओके, तो आपको मालूम होगा, अपना सिलेबस आप अगर देखेंगे आपको दिखाई देगा, आपके जूलॉजी बीएससी फाइनल ईयर। ओके दोस्तों, बीएससी फाइनल ईयर में पेपर सेकेंड, पेपर कौन सा? सेकेंड पेपर। हम बात किसी कर रहे हैं? यूनिट वन। ओके दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट वन की बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है? वन है। ओके दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वन, और पहला टॉपिक ही हमारा क्या है? लिंकेज है। ठीक है दोस्तों, क्या है? लिंकेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहलग्नता बोलते हैं। ठीक है, कभी भी अगर आप लिंकेज की बात करते हैं, लिंकेज यानी सहलग्नता की बात करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सहलग्नता का मीन क्या होता है, लिंकेज का मीन होता क्या है। तो याद रखिएगा, सहलग्न यानी लिंकेज का अर्थ होता है साथ साथ। क्या होता है? लिंकेज का अर्थ ही होता है साथ साथ। लिंकेज का मतलब क्या है? साथ साथ। ओके, सो हम ये कह सकते हैं इस आधार पे कि लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को, लक्षणों यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी सम्मिलित यानी पूरी जो वंशागति होगी, इनहेरिटेंस होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो इस आधार पर लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को सहलग्नता यानी लिंकेज कहते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? लिंकेज है क्या? लिंकेज का तो मीनिंग ही होता है साथ साथ। तो लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे। लिंकेज यानी सहलग्नता बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, सुनो, राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद लिंकेज से ही, मैंने क्या बोला? लिंकेज से ही पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग यानी संतति में साथ साथ वंशागत होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर लिंकेज हमारे बॉडी में, एनिमल्स में लिंकेज ना हो, तो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो उनके बच्चों में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो जहां पर लिंकेज होता है, लिंकेज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स थे वो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में, संतति में क्या हुए हैं? ट्रांसफर होते हैं, साथ साथ वंशागत होते हैं। ओके दोस्तों, और याद रखिएगा, सहलग्न दर्शाने वाले जीन को हम क्या बोलते हैं? सहलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन कहते हैं। अब जो जीन है जो क्या दर्शाएंगे? वो जीन जो लिंकेज का शो करेंगे, लिंकेज को दर्शाएंगे, सहलग्न को दर्शाएंगे, तो सहलग्न दर्शाने वाले जीन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उनको बोले हम क्या? लिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये जो लिंक्ड जीन है इसका मतलब क्या होता है? हमको सहलग्न का मतलब समझ में आ गया, ये लिंक्ड जीन क्या है? तो याद रखिएगा, लिंक्ड जीन क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम पर, एक ही गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स को लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही क्रोमोसोम है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं, मान लीजिए क्या हमारा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इससे मैं रेड पेन से करता हूँ क्योंकि ग्रीन से आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो रेड मार्कर से करते हैं इसको। मान लीजिए क्या हमारा एक नॉर्मली क्रोमोसोम है। ठीक है, इस पे क्या लगे हुए हमारे? मान लीजिए जीन लगे हैं। ठीक है, जीन कैसे लगे हैं? मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर आएगा। ओके, तो ये रहा ब्लैक। मान लीजिए क्रोमोसोम है। ठीक है, एक्चुअल में जैसे बनता है वैसे बना देते हैं। मान लीजिए क्रोमोसोम है आपका। ठीक है, इस क्रोमोसोम पर क्या है? हम जानते हैं कि जीन लगे रहते हैं लीनियर क्रम में, रेखीय क्रम में। तो मान लीजिए क्या हमारे जीन्स हैं। ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम है ना, एक ही क्रोमोसोम में क्या मिल रही है? हमको जीन मिल रहा है ना। तो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन बोलेंगे। एक क्रोमोसोम ही, इसी के ऊपर क्या मिल रहा है? हमको जीन मिल रहे हैं, तो इसी जीन को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैसे? ऑल द क्रोमोसोम लोकेटेड ऑन सेम, ऑल द क्रोमोसोम लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम इट्स कॉल्ड लिंक्ड जीन। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ऑल द जीन्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या ये मिस गलती हुआ है थोड़ा सा, ऑल द जीन्स कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन
सेम क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड लिंक्ड जीन। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड लिंक्ड जीन। इसका मतलब यही है कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया ना, राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल के एक नियम, एक मेंडल का क्या है, नियम है, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले जीन, उनके लक्षणों के जो जीन होंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाएंगे, और लिंकेज दर्शाने वाले जो जीन होंगे वो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। लिंकेज में क्या होगा, जो लिंकेज को दर्शाएंगे, जो भी क्रोमोसोम लिंकेज को शो करेंगे, उसमें क्या होगा, वो एक ही क्रोमोसोम पर वो जीन्स पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। मैं इसे आगे में आपको बताऊँगा कैसे होता है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद याद रखिएगा, लिंकेज मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। ठीक है, लिंकेज क्या है, मेंडल के एंड इसको स्वतंत्र होकर हम क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो लिंकेज क्या है, मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डब्ल्यू बैट्सन एक साइंटिस्ट है, ये वही साइंटिस्ट जिन्होंने क्या दिया था, जेनेटिक्स टर्म दिया था। तो डब्ल्यू बैट्सन एंड पनेट, तो अब ये बोल सकते हैं बैट्सन और पनेट ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम लिंकेज का अध्ययन किया। क्या किया, लिंकेज की स्टडी की, और किसके ऊपर की, स्वीट पी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेथाइरेक्स, क्या बोलते हैं, लेथाइरस। तो लेथाइरस के ऊपर वर्क किया। तो आप ऐसा लिखेंगे कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम डब्ल्यू बैट्सन एंड पनेट ने क्या किया, लिंकेज का अध्ययन किया, और लेथाइरस यानी स्वीट पी के ऊपर उन्होंने क्या किया, वर्क किया, और बताया कि लेथाइरस में दो जोड़ी एलियल्स मैंने बता चुका है, आप देख लीजिएगा वीडियो। तो दो जोड़ी एलियल्स जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाती। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि लेथाइरस में जो दो जोड़ी एलील्स के जीन हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाती, वो क्या दर्शाती हैं, इनफैक्ट ये युग्मन यानी कपलिंग एंड रिपल्सन, प्रतिकर्षण दर्शाती है। बैट्सन एंड पनेट ने क्या बताया, कपलिंग और रिपल्सन बताया। ओके दोस्तों, बैट्सन पनेट ने कपलिंग और रिपल्सन को बताया, यही आगे चलकर लिंकेज कहलाया। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, नोट्स के रूप में लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है, लिख लीजिए तब तक आप। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज का मीनिंग क्या है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होंगे वो कौन दर्शाएंगे, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन दर्शाएंगे, और लिंकेज कौन दर्शाएगा, जो एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं वो लिंकेज का शो अप करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात आपको याद रखना है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसको राइट डाउन करता हूँ यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, लिंकेज है। क्या है दोस्तों, लिंकेज यानी सहलग्नता है। ठीक है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, लिंकेज है। ये स्टार पॉइंट है, इसको बहुत ज़रूरी याद करना आपको। ठीक है, और आपको ये भी याद करना है कि रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है,
क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, हमारा लिंकेज है। क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है, क्या है, कैरेक्टर्स हैं, वो कहाँ जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में यानी संतति में जाते हैं। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन जहाँ भी उत्पन्न हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, लिंकेज है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे समझेंगे आप पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फैमिली में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपकी जो नोज है आपके पापा के जैसी है, आपके फेस जो आपके पापा के जैसे है, आपके मदर के जैसे है, तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लिंकेज हुआ है, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा लिंकेज का कैसे होता है, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले गुणसूत्र के मध्य होता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं क्या सेकंड, इसको राइट डाउन करिएगा, इम्पोर्टेंट ये भी है। हमने पढ़ा ना पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण, हमने भी क्या पढ़ा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, लिंकेज है। उसी प्रकार रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, लिंकेज को और पार्ट 2 3 के रूप में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल क्या इशूज़ हैं जिसके कारण हम वीडियो को लंबा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। दरख्वास्त है ये।